हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम दोबारा देखने जा रहे हैं जेई मेन का एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है भैया, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हैविंग रेडियस 4.65 एंगस्ट्रम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज। क्वेश्चन आपके पास है जेई मेन 2019 में आया हुआ, और चार ऑप्शन आपके पास है 3.5 एंगस्ट्रम, 6.6 एंगस्ट्रम, 12.9 एंगस्ट्रम और 9.7 एंगस्ट्रम। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 9.7 एंगस्ट्रम। ये करेक्ट ऑप्शन आया कैसे और इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं इस वीडियो में आपको दे रखी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई जल्दी से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी How to solve this question now? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है और जो हमसे पूछा गया है, पहले सबको हम लिख लेते हैं और इसका छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं जिससे कि इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो बस क्या दे रखा है भैया, हमारे पास दे रखा है भैया एक इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन एटम का है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। तो बस क्या है, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके पास ये पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये होगा इसकी तीसरी ऑर्बिट, ठीक है। तीन ऑर्बिट बनाती है, ठीक है। क्यों बनाते हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। और हमें यहाँ पर दिया क्या रखा है, ये बस भैया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो रेडियस है वो मैं आर से लिख रहा हूँ। ये बस दे रखे भैया 4.65 एंगस्ट्रम, ये बस बातें दे रखी हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, देन हमें बता दो भैया डी ब्रोगली बाबा की वेवलेंथ, इसके भैया ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना जो कि एक्साइटेड स्टेट में, इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो। छोटी सी बात पूछी जा रही है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। नहीं है भैया, करते हैं अभी सॉल्व फटाफट से। देखिए, ये बस न्यूक्लियस है, इसकी जो पहली ऑर्बिट वो एन मेरे पास 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। तो एन इज इक्वल टू 3 को देखती है बस। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, एक्साइटेड का मतलब क्या है, सबसे पहले तो होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद जो भी स्टेट आती है, अगर वहां पर आपको एक्साइटेड स्टेट बोला जा रहा है तो वो जो पहले एक्साइटेड स्टेट होती है ना, उसके लिए जो एन की वैल्यू होती है वो 2 होती है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में ही पड़ा है तो भैया एक्साइट कैसे होगा, एक्साइट जब होगा जब वो अगली ऑर्बिट में आएगा तो इसमें आएगा, तो ये बस पहली एक्साइटेड स्टेट होती है, ये बस होती है दूसरी। तो हमें दूसरी में दिया है ना, तो एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी 3, तो ऑर्बिट की वैल्यू कितनी होगी 3। लेकिन अब जो एक्साइटेड स्टेट है वो बस कितनी है सेकंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन इज इक्वल्स यहाँ पर 3 है, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, सिंपल समझिए। ग्राउंड में भी कैसे एक्साइटेड होगा, तो ग्राउंड में एन की वैल्यू होती है कितनी मेरे पास 1, उसके बाद एन की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर 3। हमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट देखना था, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब होगा, फर्स्ट एक्साइटेड होता है बस भैया एन की वैल्यू जब 2 होती है, सेकंड में एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, बस यही तो होगा, बस यही करना है। अब इतना अगर आपको समझ आ रहा है तो देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन, भैया कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है अगर वो रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, एक nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो भैया यहाँ से यहाँ पर क्या भैया, बोहर बाबा ने जो प्रॉब्लम मॉडल बताया था उसमें एक हमारे पास एक अपना थ्योरी दी थी, तो वहां पर ये थ्योरी क्या थी उनकी, MVR इज इक्वल टू NH/2π, ये थ्योरी थी उनकी, और इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। एंड एक और बात हमें पता है, जो लैम्डा होता है वो होता है H/MV, इन दोनों को मिक्स करेंगे और यहाँ पर अपना क्या है वेवलेंथ निकालेंगे, दैट इज लैम्डा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, H/MV, जो H/MV है ना, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूंगा इससे, ठीक है, क्योंकि रिवॉल्विंग वाला केस है तो ये बोहर बाबा से आया है। तो H यहाँ पर है, MV को मैं इधर ले आऊंगा और N और 2π को इधर भेज देता हूँ, MV को इधर भेज देते हैं, ये 2πr हो गया और N नीचे आ जाएगा, इधर में बस हो गया H/ में कितना MV, ठीक है, H/ में MV। तो इसको ही अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो लैम्डा मेरे पास कितना हो गया 2πr/ में N हो गया, समझ आ गया इतना। अब 2πr तो 2 × π की वैल्यू 3.14, ये तो बच्चों की याद होती है, आपको भी याद होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 4.65 एंगस्ट्रम, को ऐसे ही लिखते चलो क्योंकि ऑप्शन में बस एंगस्ट्रम ही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अपॉन में हो जाएगा 3, क्योंकि एन इक्वल 3 होगी, हमने अभी देख लिया। तो लैम्डा हम ऐसे जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो अप्रोप्रिएट आंसर आता है ना, अप्रोप्रिएट है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 9.7 एंगस्ट्रम ही आएगा, और वो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो डाटा होगा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा छोटा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ले जाना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टाटा।